गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने लेटेस्ट वीडियो डाली थी दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड मेकअप वाली, तो वो बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे लोगों के कमेंट और इंस्टाग्राम में मैसेजेस भी आए। बहुत सारे लोगों ने रिक्रिएट भी किया, बट रिक्रिएट करने का एक मैसेज आया हमारे पास। मतलब वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था मैसेज में। वीडियो था, वीडियो लिटरली, और एक छोटी सी बच्ची का था जिसका नाम में आहाना। वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड स्नेहा दी, मतलब है हमारे घर के पास उनका बहुत ही अच्छा सा पार्लर है, बहुत बड़ा पार्लर है इवन तो क्या कहते हैं, उनकी बेटी है, उन्होंने रिक्रिएट किया और इतनी क्यूट लग रही थी वो। सबसे पहले तो मैं उसका वीडियो आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। तो पहले आप वीडियो वॉच कीजिए। थैंक यू प्रिया दीदी, आपने इतना अच्छा मेकअप सिखाया था। वो क्या नाम था, दीपिका पादुन का मेकअप बहुत अच्छा था। और देखो अच्छा लग रहा है ना। बाय। थैंक यू सो मच, आप बहुत क्यूट लग रहे हो बच्चा, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। और आप लोगों ने भी देखा ना गाइस, कितनी प्यारी लग रही थी वो, और इतनी छोटी सी क्यूट सी फैन होगी मेरी, मुझे पता नहीं था। बहुत 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 सरप्राइज्ड हुई थी मैं ये वीडियो देख के, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और जब वो वीडियो मेरे पास आया ना, लिटरली मैंने 10-12 बार उसे प्ले किया बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं कभी भी कुछ भी ऐसे वीडियोस लेकर आ रही हूँ मेकअप से रिलेटेड या हेयर स्टाइल से रिलेटेड, तो आप लोग जरूर उसे अप्लाई कीजिए अपने ऊपर और मुझे मैसेज करके जरूर बताइए कि वो आपने अप्लाई किया, या वीडियो बना करके छोटा सा, या फिर मुझे पिक सेंड करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे आगे बनाने का और भी ज़्यादा मन करेगा। बाय द वे आहाना बहुत क्यूट लग रहे थे। थैंक यू सो मच, लव यू। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। एंड आज मैं आ गई हूँ आज बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के, वो है हेयर स्टाइल की वीडियो। एंड आई होप कि आपको समझ में आए, एंड इसे देखिएगा और अच्छे से फॉलो कीजिएगा। एंड फॉलो करने के बाद जब वो हेयर स्टाइल बना लेंगे तो उसकी पिक मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम में पोस्ट कीजिएगा और मुझे दिखाइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पर दे दे रही हूँ, आप लोग जाके फॉलो कीजिए एंड उसमें पिक जरूर शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते, आगे चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बताते हो हेयर स्टाइल नंबर 1 जो कि है हाफ बन, और वो आप सारी इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, सभी ड्रेसेस पे ट्राई कर सकते हैं। इस हेयर स्टाइल के लिए आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से अपने बालों को कॉम कर लेना है। गाइस, आप लोग कोशिश कीजिए कि जब भी हम अपने बालों को टैंगल फ्री करें ना, तो जो हम कॉम्ब यूज़ करते हैं वो मोटे दांतों वाला हो, तो बहुत ईजी हो जाता है। सो गाइज, अभी मेरे हेयर्स यहाँ पे एकदम टैंगल फ्री हो चुके हैं और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ हेयर स्टाइल बनाना। तो उसके लिए हमें ईयर टू ईयर हेयर्स लेते जाना है, फ्रंट के हेयर्स लेना है, इसे धीरे धीरे करके उठाना है, हाथ में फंसाते जाना है। तो बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप कीजिएगा। थोड़े थोड़े बाल लेकर के हाथों में फंसाइए, बहुत सारे बाल इकट्ठे नहीं उठाने ताकि वो बाउंसी लगें। तो थोड़े थोड़े बाल लेकर के इस तरीके से पीछे वाले हाथ में फंसाते जाना है। तो ओके गाइस, ट्राई ज़रूर करते जाइएगा देख देख करके। बिल्कुल इस तरीके से फंसाना है, इस तरीके से हाथों में आपके बाल आ जाने चाहिए। बहुत सारे बाल नहीं, आप देख सकते हैं थोड़े से ही बाल मिली हूँ हाथों में, ये बिल्कुल इस तरीके से लेना है। एंड उसके बाद बालों को हल्का सा पुश करना है सामने साइड में, बिल्कुल इस तरीके से आप पुश कीजिए ताकि एक अच्छा सा पफ क्रिएट हो जाए। पहले अच्छे से पफ को करके उसके बाद एक मैं यहाँ पे क्लचर ले रही हूँ बड़ा सा, आप छोटा भी क्लचर ले सकते हैं, जैसे कि मैं कभी कभी छोटे क्लचर से करती हूँ, इस वाले क्लचर से भी करती हूँ, बट इससे नहीं, अभी हम एक बड़े से क्लचर से करेंगे। ये वाले क्लचर को मैं फंसा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल अच्छे से इसमें फंस जाते हैं, मुझे इजी लगता है बड़े क्लचर में करना।
इसलिए मैं ये वाले क्लिचर्स को एकदम इस तरीके से ऐसे फंसा रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे पफ भी क्रिएट हो गया है और बाल भी ज़्यादा नहीं लेने पड़े। बिल्कुल इस तरीके से करना है, ओके। एंड अब देखिए अब क्या करना है। हम वैसे बालों को इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, ये भी एक हेयर स्टाइल ही है, मतलब अच्छा सा स्मार्ट लुक ही आता है पफ बनाने में, मुझे बहुत पसंद है और सारे लोग कहते हैं कि सूट भी करता है पफ। तो हमारा ये हेयर स्टाइल भी कम्प्लीट ही हो गया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट लुक आता है गाइस, हेयर में बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं आपको बन बताने वाली हूँ, तो देखिए हम पहले इस तरीके से बालों को, जो क्लचर में फंसे हुए बाल हैं ना, हमें उन्हें पकड़ना है। पहले पीछे के बालों से थोड़ा अलग कीजिए, जो क्लचर वाले बाल हैं उनको अलग कर लीजिए आप। मेरे लंबे बाल हैं, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सो गाइस इस तरीके से हम क्लचर वाले बालों को अलग कर लेंगे, उनको सेपरेट कर लेना है और इस तरीके से दो हिस्से करने हैं, जैसे अलग अलग, मतलब बराबर बराबर बालों को बांट लीजिएगा जो आपके क्लचर के अंदर है उन्हें, ठीक है। इस तरीके से हम दो हिस्से करेंगे बालों के। एंड उसके बाद क्या करना है, उसी इस तरीके से राउंड राउंड क्लचर के आपको लपेटना है, क्लचर को कवर करते हुए इस तरीके से राउंड राउंड आपको करना है और उसे थोड़ा सा खींच दीजिए ताकि उसमें थोड़ा सा बाउंसीनेस आ जाए। और इसके बाद जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम ये आधे बचे हुए बालों को लपेटेंगे उसी में, ये इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से हम क्लचर को कवर अप कर देंगे तो छोटा सा बन रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, उसे हमें हल्का सा बाउंसी खींच करके बाउंसी सा कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हम लेंगे इस तरीके से यू पिन लेंगे, जूड़ा पिन कहते हैं इसको बहुत सारे लोग, जूड़ा पिन लेना है हमें और उसके बाद उसे अच्छे से सिक्योर कर देना है। 4-5 पिन्स ले लीजिए आप, अच्छे से जहाँ तहाँ लगा दीजिए ताकि ये जो बाल है ना वो खुले ना। हाई गर्मी लग रही थी मुझे यहाँ पे क्योंकि मैं फ़ैन ऑफ करके शूट कर रही थी, क्योंकि कैमरा चालू रहता है फिर फ़ैन भी ऑन रहता है ना, तो फ़ैन की एक्स्ट्रा आवाज़ आ जाती है, खुद की आवाज़ के साथ साथ फ़ैन की भी आवाज़ आ जाती है, इसलिए ना मैं फ़ैन ऑफ करके बना रही थी। तो यहाँ पे हमारा जूड़ा रेडी हो गया है और बहुत प्यारी लगती है मुझे ये हेयर स्टाइल, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट हेयर स्टाइल है, मुझे बहुत पसंद है। और जस्ट मैं दोनों साइड थोड़े थोड़े से बाल ले रही हूँ, कुछ बाल पीछे छोड़ रही हूँ, दोनों साइड बाल ले करके इसको वापस से कॉम कर देंगे हम अच्छे से। और ये दूसरे हेयर स्टाइल भी एकदम बन के तैयार है, बन गया हमारा टॉप बन, और इसे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बट हेयर स्टाइल जो मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन बस मैं इसमें एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो ये मेरा पफ बना हुआ है उसमें से मैं 6-7 ऐसे बनती है ये वाली हेयर स्टाइल। सेकंड वाली हेयर स्टाइल के लिए पफ को हटा देना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, जस्ट पफ को हम हटा देंगे एंड क्लचर लगा रख देंगे। एंड जो ये जो बालों का पार्टीशन हमने किया था उसे क्लचर के ऊपर लेकर आएंगे ऐसे, अच्छे से ये वाली क्लिप की हेल्प से बॉल पिन लेना है हमें। एंड उसके बाद से हमें सो गाइस हमें दोनों तरफ के बाल जो हम पार्टीशन कर चुके होते हैं क्लचर को कवर करते हुए हम दोनों तरफ बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर देंगे, क्लचर एकदम कवर हो जाएगा, उसके ऊपर से बाल आ जाएंगे और ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। ये हेयर स्टाइल जो है ना वो मैंने अपने बर्थडे पे क्रिएट किया था, आप इस पिक में देख सकते हैं, बहुत अच्छी लगा करती है मुझे ये हेयर स्टाइल, भी बहुत क्यूट लुक आता है इसमें। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए हम क्या करेंगे, अपने पूरे बॉबी पिन्स क्लचर सब कुछ पहले रिमूव कर लेंगे, सारा कुछ हटाना है और अपने बालों को फिर से अच्छे तरीके से टैंगल फ्री कर देना है एकदम। सो
सो गाइस, नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए हमें क्या करना है, अब अपने बालों को अच्छे तरीके से कॉम करने के बाद हमें इसमें साइड से पार्टीशन करना है। इस वाले हेयर स्टाइल के लिए हम साइड से इस तरीके से मांग निकालेंगे, अच्छे से साइड से लेना है, एकदम से यहाँ से लेना है। ओके, एंड साइड से पार्टीशन करने के बाद क्या करना है, हम इसे साइड से, ईयर साइड से धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठाना है और हल्का सा बाउंसीनेस देना है। बिल्कुल इस तरीके से हम करेंगे, हल्का सा ईयर के पास से आप उठाइए और अपने जो सेकंड वाले हैंड जिसमें हाथ में कॉम्ब नहीं रहते है ना, उसका जो थंब रहता है उसे नीचे साइड में रखना है और उसे हल्का सा पुशअप करके बाउंस देना है। हम वापस से करते हैं, देखिए बिल्कुल इस तरीके से थंब को हमें नीचे रखना है और उसके ऊपर हमें कॉम्ब से हेयर्स को डालते जाना है और उसके बाद उसे हल्का सा पुशअप करके उसे बाउंसीनेस देना है, बिल्कुल इस तरीके से। ये हेयर स्टाइल भी बहुत क्यूट लगती है गाइस, बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पे जो टॉप्स होते हैं, जब हम जीन्स टॉप पहनते हैं तो ये हेयर स्टाइल बहुत ही सूट किया करती है। और अगर आपने सूट भी पहना हुआ है, सलवार सूट भी पहना हुआ है, तो भी ये हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा लगा करता है। बहुत सिंपल, सोवर, प्यारा सा हेयर स्टाइल है ये, बहुत इजी बन जाता है। इसके बाद हम बॉबी पिन से इसे सिक्योर कर देंगे। ये मेक श्योर कि आपके बाल अच्छे से टैंगल फ्री हो और वो थोड़ा सा बाउंसी हो जाए, जब आप उसे फिंगर की हेल्प से बाउंसी करें ना तो वो अच्छे से फ्री हो जाए। एंड बिना लट निकाले तो मेरी कोई हेयर स्टाइल बनती नहीं है मुझे थोड़ा सा ऐसा पसंद है। उसके बाद ये हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गई है, इसे हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बहुत प्यारी लगा करती है। बाद हम इसमें ये भी ट्विस्ट कर सकते हैं कि हम इसे सेकंड साइड से भी सेम इसी तरीके से जैसे हम एक साइड में करते हैं ना, वैसे ही सेकंड साइड भी हमें बाल लेने हैं, साइड से ईयर साइड से बाल लेना है और उसके बाद हमें उसे बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से सिक्योर करना है। गाइस आप देखते जाइएगा कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है, हल्का सा बाउंसीनेस दे करके उसे जस्ट सिक्योर कर देना है। एंड ये वाला हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा करता है। मेक श्योर आप जब भी ये हेयर स्टाइल करें ना, तो जो भी आप बॉबी पिन में अपने हेयर्स को दबा रहे हैं उसे हल्का सा फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से उसको बाउंसीनेस दे दीजिए, हल्का सा बाउंसी दिखेंगे ना आपके हेयर्स में, वॉल्यूम दिखेंगे ना, तो बहुत अच्छी लगेगी ये हेयर स्टाइल। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस एंड मुझे पिक जरूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ। तो उसके उसे करने से पहले हम अपनी सारी बॉबी पिन्स को अलग कर लेंगे एंड वापस से अपने हेयर्स को टैंगल फ्री कर लेंगे एकदम वैसे गाइस ऐसे ओपन हेयर्स भी कितने अच्छे लगा करता है ना, मुझे तो ऐसे भी छोड़ देना बालों को बहुत पसंद आता है, बहुत ही अच्छा लगा करता है सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ। तो सबसे पहले हमें बालों को फिर से अच्छी तरीके से कॉम कर लेना है। I know I got a lot of stuff and honestly it makes me terrified of एंड गाइस देखिए हम बालों को अपने इस तरीके से साइड से सारे बालों को एक साइड में लेना है और हल्का सा पुशअप करके इसे यहाँ पे अच्छे से बॉबी पिन की हेल्प से इस तरीके से सिक्योर करना है। और जो सेकंड वाला पार्ट है जिधर साइड हमारे बाल नहीं है उधर साइड बस दो तीन रोज लगा दीजिए, साड़ी में ही ये हेयर स्टाइल बहुत सूट करती है गाइस, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्लिप में गाइस बहुत प्यारा लुक निकल के आता है। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली हेयर स्टाइल के लिए हम बीच से मांग निकालेंगे, बीच से पार्टीशन करेंगे इस तरीके से और अच्छे से कॉम करते जाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पहले एक साइड का सेक्शन लेना है और उसे कॉम की हेल्प से थोड़ा सा पुशअप करना है ठीक है। पहले हम एक तरफ के बालों को लेंगे, उसे अच्छे से फिंगर की हेल्प से करना है गाइस, कॉम की हेल्प से बिल्कुल नहीं करना है, फिंगर की हेल्प से इस तरीके से हल्का हल्का ट्विस्ट कीजिए, ज़्यादा ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सेकंड वाली हेयर स्टाइल है वो जो लहंगे के साथ की जाती है वो मैं अलग बताऊंगी, पहले इसमें हल्का हल्का ट्विस्ट करना है ताकि बाउंसी हो जाए जस्ट बस उतना ही, और उसे अच्छे से बॉबी पिन के हेल्प से सिक्योर कर देना है। पहले वालों में एक साइड कीजिए एंड उसके बाद जस्ट उसी तरीके से सेकंड वाली साइड भी कर दीजिए, हल्के हल्के से पा लेना है और फिंगर की हेल्प से उसे बाउंसीनेस करना है। ओके
अच्छे से कीजिएगा गाइस, आराम आराम से कीजिए, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल निकल के आएगी। ये हेयर स्टाइल भी बहुत सूट करती है, लेकिन हाँ जो पटियाला सूट होते हैं ना आप उसमें ट्राई कीजिएगा, जो पटियाला शॉर्ट कुर्ती के साथ पटियाला बनते हैं उसके साथ ये सूट बहुत ज़्यादा ये हेयर स्टाइल सूट करती है। एंड जस्ट बीच से जो हम पार्टीशन करते हैं वहाँ पर अगर एक बड़ा वाला टीका लग जाए ना तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। मांग टीका जो आता है जस्ट वो लगाइए, बहुत प्यारा लुक निकल के आता है गाइस। मैं ज़रूर आपको एक बार प्रॉपर पंजाबी लुक में ज़रूर करके बताऊंगी ये हेयर स्टाइल। पंजाबी हेयर स्टाइल भी बहुत सारी लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में, और ये हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है गाइस। कभी भी आप कर सकते हैं इसे, कभी भी किसी भी सूट में बहुत प्यारा लगेगा। बस आप इतना ज़रूर कीजिएगा गाइस कि जब आप ट्विस्ट करेंगे ना तो उसे हल्का सा वॉल्यूम देती जाइएगा, क्योंकि जब तक बाउंसी बाउंसी हेयर्स नहीं लगेंगे तब तक वो हेयर स्टाइल का अच्छा सा लुक नहीं निकलेगा। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप चलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ, तो हम वापस से अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे। वापस से हमें अच्छे से अपने बालों को कॉम करना है, और उसके बाद अब क्या करना है गाइस। तो अब मैं अपना जो ऑफिस वाला हेयर स्टाइल है जो मैं जल्दी फटाफट बहुत जल्दी जल्दी मैं करती हूँ, कभी कभी घर पे भी करती हूँ, लेकिन ऑफिस में तो मैं जब डेली जाती हूँ ना तो मैं ज़्यादातर यही वाला हेयर स्टाइल वेयर करती हूँ। बाकी घर में भी या कभी भी आप कर सकते हैं हेयर स्टाइल, बहुत ईजी है। अच्छे से देखिए, पहले अच्छे से बालों को इस तरीके से हमें पफ बनाना है, और यहाँ पर मैं छोटा वाला क्लचर ले रही हूँ। छोटा वाला क्लचर को अच्छे से अपने बालों में लगा देना है ताकि वो फिसले ना। उसे अच्छे से सिक्योर करने के लिए मैं ये दो बॉबी पिन ले रही हूँ और अच्छे से क्लचर के नीचे लगा दे रही हूँ, ताकि जो क्लचर है ना मतलब बालों के वजन की वजह से वो खिसके ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पफ बना रहता है ना वो सेकंड जब मैं चूड़ा बनाती हूँ तो वो पचक सा जाता है, बिल्कुल भी बाउंस ही नहीं रह जाता। इसलिए अच्छे से हम क्लचर के नीचे जब हम क्लिप लगा लेते हैं तो वो एकदम फिक्स हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद हमें अपने सारे हेयर्स को पकड़ना है, ठीक है, पीछे साइड से जैसे हम पूनी बनाते हैं ना उस तरीके से हमें अच्छे से सारे बालों को पकड़ के बड़ा वाला क्लचर लेना है एंड जस्ट ऐसे ट्विस्ट करना है बालों को। बहुत ईजी है गाइस, अच्छे से देखिएगा, बहुत ईजी से बनेगा। बस ऐसे ट्विस्ट करना है एंड जो भी बाल बचे हुए हैं उनको बीच से लेकर आना है और वहीं पे मोड़ देना है। और जो ये बालों को हम मोड़ते हैं ना बस उन्हीं बालों में हमें क्लचर को फिक्स कर देना है, बाकी इधर उधर हमें क्लचर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो हम अंदर मोड़े हुए हैं उन बालों में हमें अच्छे से क्लचर लगा देना है, और ये बहुत प्यारा सा जूड़ा बन जाता है। कभी भी हम इस वाले जूड़े को कर सकते हैं, किसी भी ड्रेस में सूट हो जाता है ये, सलवार सूट हो, जींस टॉप हो, साड़ी हो, एवरीथिंग में। मैं बहुत बार आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं ऐसी हेयर स्टाइल हमेशा करती हूँ। ऑफिस में भी बहुत ईजी रहता है और बहुत स्मार्ट लुक निकल के आता है, बहुत प्यारा स्टाइलिश लुक देता है गाइस। करिएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा इसे एंड करके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सी हेयर स्टाइल आपको सबसे अच्छी लगी है। एंड इसके बाद मैं एक काम करती हूँ, आपको घर वाली हेयर स्टाइल बता देती हूँ जो हम बहुत ही बेहद जल्दी से कर सकते हैं। जस्ट हमें सारे बालों को इस तरीके से लेना है, इसमें हमें कॉम की ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से अपने बालों को फोल्ड करना है और वही बीच वाले बालों में हमें क्लचर को फिक्स कर देना है इस तरीके से, और जस्ट ये वाला लुक निकल के आ जाता है। आप मुझे हमेशा देखते होंगे घर में, मैं हमेशा इसी तरीके से करके रखती हूँ, बहुत प्यारी लगती है ये हेयर स्टाइल और बाल भी ख़राब नहीं होते। प्यारी लग रही है ना गाइस ये हेयर स्टाइल भी, मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत ही ज़्यादा इजी हेयर स्टाइल, आई होप कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी एंड ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बेस्ट हेयर स्टाइल आपको कौन सी लगी। मैंने बहुत टफ अभी मतलब कोई भी टफ हेयर स्टाइल नहीं बताई है, सारी इजी है, और जो मैं हमेशा वेयर करती हूँ हेयर स्टाइल वही बताई है अभी, तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी पहुंच जाए। एंड बाय बाय।